सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सलाम वालेकुम। नाम ये आयशा अमन कौन है? हु इज दिस आयशा अमन? आप 12th वाली सर, क्यों आई हैं? फास्ट ट्रैक बैच है ना, आपने कहा था। तो आज क्वेश्चन डिस्कशन है, सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन आना है तो मंडे टू थर्सडे 10 बजे आज क्वेश्चन डिस्कशन होगा। बैठना चाहती हैं बैठ सकती हैं। तो देखिए हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन कर रहे थे, सबको मालूम है? हाँ जाना जल्दी बताएं। यस सर, हाँ यस। और अमन अनीस जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा डायप्रोटिक, वो तो भाई पढ़ेंगे बाद में भाई, वो तो आपको 12th के नोट्स में भी होगा, ग्रुप 16 के नोट्स देख लें आप। एच प्लस जिसकी साइज बढ़ती है ग्रुप में एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो उसका क्वेश्चन क्यों भेजा आपने ये पहले बताएं। जो चैप्टर डिस्कशन होगा वही ना चलेगा? अरे बोलो। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था वो हाँ तो उसके प्रीवियस अंदर सब है। छोड़ो, सब मिक्सअप रहता है बुक में ना, फिर आप एसिडिक करेक्टर का क्वेश्चन सब हो जाएगा, सब इसी में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं केमिकल बॉन्ड में सब करें, ऐसे उसमें टॉप टू बॉटम H2O से ज्यादा H2S, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटता है, तो इलेक्ट्रॉन तो एच प्लस आसानी से रिलीज होता है, जब ग्रुप में होता है तो बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, यस सर यस गुड, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन, तो आप ये अलग पेज पर नोट करते हैं ना सब लोग नोट्स में, नहीं तो नहीं ना लिखते हैं, यस सर, अलग पेज पर करना है, बाद में उस चैप्टर जो नोट्स बनाते हैं उसमें लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर वन, सबके पास पीरियोडिक टेबल वाला नोट्स है ना सामने, आयनाइजेशन एनर्जी को खोल के रखें। यस सर, यस सर, कोशिश करें कि पहले बगैर देखे हुए आंसर दें, समझा कि आप कितना पढ़े हैं, लेकिन जब भी मैं कहूंगा कि भाई नोट्स में लिखा हुआ है तो फिर वो आप देखेंगे, पहले आपकी ईमानदारी पर है, अल्लाह देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ, अल्लाह तो देख रहा है, भगवान देख रहे हैं आपको भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी? तो मैंने 3D सीरीज का बहुत अच्छे से याद कराने का तरीका बताया था, IE1, IE2, IE3, याद है सबको? यस सर, सिकंड, अच्छा तुम बत ओवरऑल ऑर्डर ऑफ सिकंड आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। सिकंड आयनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका था? कॉपर का, फिर किसका अच्छा था? निकिल का, फिर किसका था? जिंक का, फिर किसका था बताओ? कोबाल्ट आएगा, क्रोमियम आएगा, नोट्स देखो जल्दी से, तुम लोग को याद नहीं है, जल्दी बताओ। कोबाल्ट आएगा, हाँ कोबाल्ट के बाद हम बाकी को लिख करेंगे, तो बताओ इस सब में सबसे सिकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो क्या कहेंगे? सी की। अरे बोलो ना। यस सर, यस, लोगों को लगेगा कि यहाँ सिकंड आयनाइजेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हो। मैंने जो बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब एक एटॉमिक नंबर एक का डिफरेंस हो, दिस इज सही फॉर एस एन पी ब्लॉक। देखो मैंने नोट्स में लिखा है ना, एस एन पी ब्लॉक सेकंड थर्ड पीरियड में लगेगा, डी ब्लॉक में हम सब कुछ देखते हैं, पुअर शील्डिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मैंने आपको सिकंड थर्ड, अब फर्स्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया था, शिव कोरोटी मोनिक कोफिस। तो 3D सीरीज का फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड और थर्ड पर फुल्ली कमांड होना चाहिए, अगर फुल्ली कमांड रहेगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे दिया, बताइए, वरना स्टूडेंट परेशान रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो डी ब्लॉक को सतर्क होके बताना, उसको पांच पांच दफा लिख लिख कर समझ समझ कर प्रैक्टिस करना है, और मैंने आपको मैं दोबारा प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैंने कहा कहा था कि जब भी आप 3D सीरीज की प्रैक्टिस करें तो निकल, कॉपर, ZN, कोबाल्ट को एक साथ रखें, आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम और किसको रखें? वेनाडियम, याद आया? स्कैंडियम यस और टिटेनियम का तो हमेशा कम होगा, इसका ऑर्डर चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, स्कैंडियम का सबसे कम होगा, उसके बाद टिटेनियम का ज्यादा होगा। पहले इसका ऑर्डर पर खूब प्रैक्टिस करो,
कभी कभी क्वेश्चन में इन चारों पेयर्स का पूछता है, और पूरे जी मेंस और एनसीआर का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है आयरन, इसका इसका पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस करो, ये दोनों छांटो, ये दो हमेशा कम होगा, सबसे कम स्कैंडियम का होता है नाइजेशन, उसके बाद टिटेनियम, इसका अलग से प्रैक्टिस करो, इसका अलग से प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें आसान लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? वरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिख के पागल हो जाओगे, याद होने वाला नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में आपको मैंने बता दिया शिव क्रोटी मोनिक कोफिस, याद आया? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, शिव क्रोटी मोनिक कोफिस। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की ज्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज्यादा है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी जिंक की ज्यादा है। याद आया? याद आया सबको? हाँ या ना? यस सर। तो ये है प्रैक्टिस करने का तरीका, इन सब पर पहले से अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, वरना नहीं पढ़ के जाइएगा अच्छे से। अब कुछ स्पेशल टॉपिक ही को वही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एस एस ब्लॉक को कैसे सर ने पढ़ाया, पी ब्लॉक को कैसे समझाया, एस और पी ब्लॉक की मिक्सिंग करके कैसे समझाया, डी ब्लॉक को कैसे समझाया, एफ ब्लॉक के आयनाइजेशन पढ़ना ही नहीं है, लोग पढ़ाता है वो मीडिया को दिखाता है, वो सब कुछ सिलेबस में नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़ लें, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के आयनाइजेशन की बात नहीं की गई है, तो जो हमें सिलेबस में वही पढ़ना है। खैर, सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोले, स्क्रीन शॉट लें। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, ना जाने क्यों आज के दिन में पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन डिस्कशन, उसमें भी आयनाइजेशन, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर साइज, हम तीन पार्ट में बांटेंगे, ये नहीं कि एक ही क्लास से होगा, बीच में मौका मिला तो कोई ठीक नहीं, मैं सैटरडे को भी क्लास लगा सकता हूँ, तो आप लोग खूब मेहनत करें कि आपको फिंगरप्रिंट की तरह पूरा आयनाइजेशन का कंसेप्ट कहीं से भी पूछे याद समझ में आ जाए, वरना स्टूडेंट पागल की तरह दिमाग खराब रहता है, उनका आयनाइजेशन बेचारे पागल की तरह रहते हैं, मैंने इस तरह पढ़ा दिया क्या पढ़ें, for an element जिसमें one electron है, एक ही valence electron है, then which of the following ionization energy difference will have the maximum value? Clear hai? A option, ताकि क्वेश्चन पिछले क्लास में ही बताए गए थे आपको, हाँ ना? यस सर। तो देखिए, तो आप पहले अपने आंसर दें, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो आई ई वन कहलाएगा, विच आंसर इज करेक्ट? सभा ने बी बताया, बी क्यों बताया भाई, बी बताया इन्होंने, यस हर्षित ने, सैयद तौहीद ने वन बताया, बी बताया, चलिए सारे लोग सुने, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, अल्कली मेटल में होता है, आता होता है ना, बताओ हाँ या ना? वन स्क्वायर स्क्वायर टू सेवन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आई ई वन से ज्यादा आई ई टू होगा, अब बहुत ज्यादा होगा, जंप बहुत होता है, फिर आई ई थ्री होगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, और से सुनो, IE1 और IE2 में जब मान लो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी 20 है, इसकी 25 है, तो बताओ डिफरेंस IE1 IE3 में ही ज्यादा होगा ना, जंप ज्यादा होगा IE1, जब भाई बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, लेकिन डिफरेंस जब पूछेगा तो IE1 IE3 में ना होगा, अरे बोलो ना। यस सर। वो क्वेश्चन में घुमा रहा है आपको, क्वेश्चन में घुमा रहा है, गौर से सुने, जंपिंग हो कि हम जंप से समझ जाएंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन क्लास में चार पांच क्वेश्चन लगातार करवाया था,
कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप समझ जाएंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है कि जंप हो रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। अगर एक से दूसरे के आयनाइजेशन में डिफरेंस है तो समझ जाइए कि यहाँ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। याद इस तरह का क्वेश्चन कराया था? Yes, sir. लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है डिफरेंस, स्टूडेंट को लगेगा क्या, जिसने बी दिया अल्लाह मालूम क्यों दिया, अल्लाह रहम करे उन पर, जुमा का दिन है, दुआ के लायक है वो, या तो ए देना चाहिए या सी देना चाहिए, लेकिन मैंने डाटा लिख कर दे दिया कि भाई डिफरेंस यहाँ 15 है, लेकिन आई इवन आई थ्री का, हाँ जंपिंग बहुत, जंपिंग आई इवन आई टू में इसलिए ज्यादा है कि आपको मालूम है अल्कली मैटर में एक इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जंप इस बात को बताता है, जंपिंग इस बात को बताता है कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन आपको यहाँ डिफरेंस पूछा है तो इसलिए लॉजिकल आंसर देंगे, तो दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। तो लॉजिक लगाएं, ध्यान दें। तो कुछ लोग अभी फास्ट ट्रैक कोर्स में जो आ रहे हैं, ट्वेल्थ में तो रेगुलर रहते नहीं है, एक नाम है, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, मैं उसका लेटर बोल रहा हूँ, अल्लाह मालूम। हाँ अच्छा, चली गई बेचारी, ठीक है, अच्छी बात, वरना मैं तो उसकी फिल्म बना देता। जुमा भी है, रिलीज होती है, फ्राइडे को ही रिलीज होती है ना फिल्म तो मैं तो अभी रिलीज है, मैं तो फिल्में बना देता भी। हाँ यहाँ देखें सारे लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये वाला लॉजिक सबको समझ में आया या नहीं आया जल्दी बता दें आप। यस सर। वन एलिमेंट ए, वन एलिमेंट ए हैविंग फोर, मैं इसी पर दे रहा हूं लगातार, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड विच आर फॉलोइंग values will be maximum. ये option इसमें वहां था आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक है EA of A plus इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, B है आपके पास, इसमें एकदम सतर्क होके आंसर देंगे IE4 IE3, सी ऑप्शन है IE5 IE3। अब मैंने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन लिखा था आप लोगों ने, नहीं लिखा था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था, क्वेश्चन 2 था, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा था, स्क्रीनशॉट लिया सर। हाँ वही स्क्रीनशॉट लिया था। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा भाई, सबा यस सर। हाँ टीचर किस तरह समझाया, स्क्रीनशॉट जंपिंग है। हाँ कोई कहेगा हाई वैल्यू जंपिंग IE1 से IE2, लेकिन डिफरेंस पूछा तो IE1 IE3, उसी कंसेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करना। मैं आपको हिंट भी दे दिया, अगर आप गलती करेंगे, जुमा का दिन है, बद्दुआ दे सकता हूं मैं। सोच समझ के आंसर दें, पहले आप 60 सेकंड लें, मिनिमम 60 सेकंड, सॉरी मैक्सिमम, आराम से IE2 IE1। पहले 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप जैसे यहां 1 था तो आपने 3 ऑर्डर लिख लिया ऑप्शन में को देखकर, उसी तरह यहां 4 है तो 4 आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखो, पहले सुन लो अच्छे से, उसके बाद देखो आराम से, देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट। अरे जैनब खातून, ये तबस्सुम क्यों आई है, तबस्सुम वाई आप क्यों आई हैं आज बताइए, गलती से तो नहीं आ गई? तबस्सुम कैन यू हियर मी?
अब ये बोल ही नहीं रही हैं। जल्दी बोलें, मैसेज करें, आप आज की क्लास में क्यों आई हैं मुझे बताएं। हाँ बताओ, किसी का आंसर नहीं आया अब तक, ये कैसा बैच अच्छा आ गया माशाल्लाह। मिर्जा का सी, हर्षित का सी, अमन का सी, तबस्सुम, नो सर, अच्छा वो मेरे सवाल का आंसर दे रही थी, ज़ैनब खातून सी। चलिए पहले देख लेते हैं, देखिए आपको ये सब मालूम है तो करना था, तो मंडे टू थर्सडे केमिकल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, दो ही तीन क्लास हुई है, आज के दिन डिस्कशन होता है, आपको रहना है रहिए, लेकिन अगर आना है तो मंडे टू थर्सडे 10 बजे 691 जो आपकी 12th की मीटिंग आईडी है। ये मैं तो एक हफ्ता से चिल्ला रहा हूँ, अब तो और टाइम 12th का है, आप तो कर लीजिए कि हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट निकल जाए, तो बच्चों को तो मेहनत करना ही चाहिए, फ्री में मिल रहा है फिर भी क्लास नहीं कर रहे हैं। और अभी मैं पैसा रख दूंगा कि इस बैच का फीस है तो देखिएगा सारे कुछ लोग आना बंद कर देंगे, खासकर मैं नाम नहीं बोलूंगा, ये फ्री की क्लास है, लिखो भाई, यहाँ देखें सारे लोग गौर से सुने अच्छे से, IE1 से ज्यादा IE2 होता है, जल्दी बोलो, ठीक है, IE2 से ज्यादा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, यही होता है ना IE4, अच्छा बताओ जंप, ज्यादा जंप किसमें होगा, IO4 से IE5 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्योंकि चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अरे यार बोलो ना, जंप हायर कहां से होगा, IE4 से IE5, लेकिन डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा, ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हो, सबका आंसर सी आया ना, यही सोच के दिए थे ना, बोलो ना, बोलो ना, हाय हाई जंपिंग किसमें होगा बताओ, फिर से बोलो, जंप किसमें होगा, 4 से लेकर 5 में, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इस तरह दिया कर पूछता था कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, याद है आपको, याद है आपको, yes, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आज आपसे पूछ रहा है डिफरेंट, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहता है अरे IO4 IE5 का डिफरेंट है, तुम गुंडा, तुम डिफरेंस तुम देख लो ना, इस दोनों का डिफरेंस से IE3 IE5 का ज्यादा डिफरेंस है, हाँ जंप तुम कह सकते हो, लार्ज इंक्रीज इन द वैल्यू बिटवीन 4 एंड 5, बट डिफरेंस इज 2 का 5 का ज्यादा होगा, 1 और 5 का ज्यादा होगा, तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है। अब आओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी से कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव में आती है, और एनर्जी आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा याद रख लो, और नोट्स में कहीं पर लिख लेना कंक्लूजन करके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कम होगी आयनाइजेशन से। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। तो देखो क्वेश्चन बनाने से कंसेप्ट क्लियर होता है, बहुत सारी बातें डिस्कशन में नहीं होती है, अब ये सब क्वेश्चन से होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होगी। लिख लिया सारे लोग, नोट करके जल्दी बताओ, स्क्रीन शॉट लिया? यस सर। यस सर। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हम आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सब पे कमांड करवा देंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका है, पर डे पढ़ते हो, मेरी बात मानते हो कि नहीं तुम लोग भाई, क्या हाँ में हाँ खड़ी मिलाते रहते हो? मानते हैं सर। यस सर। हाँ हाँ, तुम ही तो मानते हो, बाकी कहाँ कोई मानता है, मानोगे तो अपना फायदा रहेगा भाई, बाद में ये नहीं कहोगे सर ये टफ है, इधर भूलते हैं उधर भूलते हैं, नो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो और बच्चों को मजबूत होना चाहिए। देखिए जब फिजिकल पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट कहता है कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं होता, अच्छा भाई जब इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल है तो कम से कम यादें तो करना है ना, दिमाग में तो रखना है ना, तो वो भी कहता नहीं हो पाता, अरे तो क्या हो पाता तुमसे, हलवा जैसे दाल भात चोखा खाओगे क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है, स्टूडेंट सारी बीमारी स्टूडेंट है बोलता है न्यूमेरिकल नहीं आता, ये नहीं आता, अरे भाई न्यूमेरिकल नहीं तो इनऑर्गेनिक में कहां न्यूमेरिकल है, वो तो कम से कम बता दो। तो हर बच्चे सारी बुरा बच्चे ही ब्लेम करते हैं, तो आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, पर डे पढ़ना है, 5-5 दफा प्रैक्टिस, आधा घंटा वक्त दें, जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन आधा घंटा वक्त दें, और 10 मिनट पीछे से रिवीजन करें, पीरियोडिक टेबल अपने मन में, एटॉमिक साइज का क्या ऑर्डर सर ने पढ़ाया था, आयनाइजेशन का क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, 15 मिनट में हर दिन अपने आप को रिविजन माइंड में करें, आयनाइजेशन एनर्जी साइज पर डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है, हाफ फिल पर डिपेंड करती है, पेनिट्रेशन, लेकिन हाफ फिल फुली फिल का कांसेप्ट कब लगेगा, जब सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड में लगेगा, और वो भी एडजेसेंट एलिमेंट में, पेनिट्रेशन का इफेक्ट, ऐसे बोल बोल के अपने मन में हर दिन 20 मिनट पीरियोडिक टेबल को शुरू से 10 मिनट आप रिविजन करें, जो टीचर पढ़ा रहा है केमिकल उसको आधा घंटा देखें, आधा घंटा पीछे से रिविजन करें, और अपने माइंड में रिकॉल करें कि हमने क्या क्या पढ़ा, 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, माइंड में पढ़ें, सोच सोच के पढ़ें, और टीचर जो प्रैक्टिस करा रहा है उसको देखें,
बोलिए आया समझ में, कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है। यस सर। यस सर। बच्चे परे, हाँ बच्चे परे बहाना बहाना बहुत तलाशते हैं, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, अरे गधे बिहारी, टीचर की बात मन सब आ जाएगा। पर डे पर, पर डे पर, पर डे पर, ऐसे थोड़ी ना है कॉम्पिटिशन निकालना, ऐसे थोड़ी ना है, यहाँ पास फेल थोड़ी ना होना है। चलिए आप देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, सबको आ रहा है ना समझ में? भाई एक दफा बोलो हाँ या ना, सबको आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस 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 आर गिवन बिलो। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, पहले जब भी आपको टीचर आपको वो, मैं जानबूझ के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, वो तो आपको आता ही है, लेकिन जा हो सकता है डायरेक्ट वही आ जाए, एस ब्लॉक का ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड का आयनाइजेशन का ऑर्डर, समझा? पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक ऑर्डर, सुना सारे लोग? डी ब्लॉक में 3D, वो तो हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, वो हर दिन डिप्टो वही आएगा ऑर्डर में, ये तो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ कि क्वेश्चन आयनाइजेशन पर अलग टाइप से कैसे आएगा, सुना सारे लोग? ऑर्डर के अलावा क्या आएगा? और ऑर्डर वाले में तो आपसे गलती होनी ही नहीं चाहिए, सेकंड पीरियड के कैसे देखेंगे, फॉर्मूला हमने आपको सिखाया 875 से, वो कब आप लिखे, तो ये सब आप पर डे 10 मिनट दें तो आयनाइज तो तब होगा ऑर्डर। एस आपको ये सब आ रहा है, इस ब्लॉक का ऑर्डर ये नहीं आ रहा है, तो कहेगा भाई देखो बेसिक ही नहीं आता तो ये क्या आ रहा है भाई, पी ब्लॉक का 13 से लेटर 18 पे कहाँ का एक्सेप्शनल है उसको देखना है, डी ब्लॉक में 3D सीरीज का ही I1 I2 I3, ये सब तो आना ही चाहिए, इसमें गलती इसका मतलब आप कुछ नहीं जान रहे हैं, समझा? टफ टफ क्वेश्चन हो रहा है, बेसिक ही नहीं हो रहा है आपसे, समझ रहे हैं? तो ये मत रहेगा कि सर, इसलिए सबको ऑर्डर आना चाहिए, मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि वो तो आता ही होगा आपको, फिर भी मैं एक दफा ट्राई करूंगा आपको कि कितना पढ़ रहे हैं आप, वो हर दिन केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक दोनों समझिए, एक ही तरह का चैप्टर है, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाए, देखिए आपकी इनऑर्गेनिक कैसे मजबूत होती है, कोऑर्डिनेशन एक अलग टाइप चैप्टर है आपकी, मैं इनऑर्गेनिक बहुत मजबूत करा दूंगा सारा पार्ट, बस आप टीचर के बताए हुए पर चलें, आप इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, हर दिन आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक का जो मेन मेन ऑर्डर है, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड दोनों को मिक्स करके सर ने जो पढ़ाया वो सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, पहले आप अपने से आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही, एकदम ध्यान देना है, पहले ये चेक करना कि एक्स जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, उस पर +1 चार्ज है कि +2 चार्ज है, क्या है, चलो आराम से आंसर दीजिए आप। चार्ज मालूम कर लीजिएगा तो आपको कंपाउंड तो बन ही जाएगा, चार्ज पहले मालूम कर लीजिए कि एक्स पर +1 चार्ज है कि +2 चार्ज है। देखिए मिर्जा का आंसर आ गया, देखिए हर्षित का भी आंसर आ गया, फैस का भी आंसर, कोई बात नहीं, गलत या सही ट्राई करना चाहिए, बहुत बेहतर है, वो गलत भी दे रहे हैं कोई बात नहीं है, गलत सही सही होगा कोई बात नहीं है, फैस वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और लोग आंसर दें। दानिश ने ए आंसर, दानिश तुम इसका आंसर दिए हो क्या? यस सर। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है,
हम चेक करते हैं, सबसे पहले बताओ जैसे आयनाइजेशन एनर्जी लिखा तो जंपिंग किसमें ज्यादा है, आई वन आई टू में जंपिंग है, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ हाई जंपिंग, समझा कि नहीं, यानी इस दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंसेस है एज कंपेयर टू आई टू और आई थ्री, तो इसमें yes, जब हाई हायर जंप है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसका मतलब सिकन इसीलिए तो ज्यादा है इसकी, yes, बोलो हाँ या ना। तो फ्लोरीन से कंबाइन कर सकता है, एक्स प्लस है तो ओ टू माइनस से भी कंबाइन कर सकता है, एक्स प्लस है तो थ्री माइनस से भी कंबाइन कर सकता है, तभी तो इसका वैलेंसी इससे कंप्लीट होगा, इसलिए ऑल ऑफ एवब होगा। यहाँ जानबूझ के स्टूडेंट एक्सएफ लिख कर छोड़ देगा, अरे एक्स टू ओ भी तो हो सकता है, अरे भाई ओ ओ की वैलेंसी कितनी होती है एक्स, तो बताओ कंप्लीट करो, एक्स टू ओ नहीं हो गया भाई, वन का मतलब प्लस वन है ना, इस पर टू माइनस, अरे बोलो हाँ या ना, या अरे बोलिए ना। हाँ, जानबूझ के स्टूडेंट ए को देखकर आंसर दे देगा आपको, इसलिए एक एक चैप्टर को देखना है, ये क्वेश्चन डिस्कशन हर चीज को क्लियर करेगा, कंसेप्ट के साथ साथ हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को देखेंगे उसको भी देखना, ये नहीं कि ए को देखकर हाँ मिल गया आंसर हो गया, अरे देख लो भाई डी भी है, ऑल ऑफ एवब है, क्या है, तो यही हायर जंप हुआ तो इसका मतलब ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, हाँ इट रिप्रेजेंट ग्रुप फर्स्ट, ये सब अपने लैंग्वेज में लिख लेना है और अपने से नोट्स घर पर अपना तैयार कीजिए और लिखिए, इट रिप्रेजेंट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। देखिए हाँ आगे बढ़ें। यस, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है, तो अब देखिए ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अरे 12th वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको आ रहा है भाई, अब देखिए मुंह चुप्पी हो गया, बोल नहीं पा रहे। हाँ सिकन आईपी आयनाइजेशन को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख देते हैं एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी सिकन आयनाइजेशन कम है फर्स्ट आयोनाइजेशन ज्यादा है, वो पूछ रहा है किस में ऐसा है, अगर इसका आंसर नहीं दिए तो हमको ये लगेगा कि तुम्हारा बेसिक कमजोर है, बताओ किस में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े हो, चलो बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, किस एलिमेंट में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से कम है, अरे भाई डी ऑप्शन, हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, समझा, अरे यही तो वही ना कह रहे हैं सबका ऑप्शन दे गधे सब, आई इवन सक्सेसिव नहीं पढ़ा, आई इवन ग्रेटर, चाहे कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो Mg से ज्यादा Mg प्लस का होगा, चाहे कैसा भी हो फुल्ली फिल्ड ही क्यों ना हो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बाद वाली की ज्यादा होती है ड्यू टू मोर पॉजिटिव चार्ज, चाहे उसमें हाफ फिल्ड हो फुल्ली फिल्ड वो देखा भी नहीं जाएगा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन में फंस गए, Mg का Mg प्लस से मुकाबला होगा तो Mg प्लस की ज्यादा होगी, Mg प्लस से Mg प्लस टू की ज्यादा होगी, Mg प्लस टू से चाहे अगर इसमें हाफ फिल्ड भी है इसमें हाफ फिल्ड नहीं है फिर भी इसी की ज्यादा होगी क्योंकि चार्ज बढ़ गया, अरे डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। बताइए लोग बी लिख रहे हैं, ये अमान अनीस क्या नाम है, चलो 12th वाले को भी आना चाहिए सक्सेसिव, लेकिन चलिए वो बेचारे पूरा पीरियोडिक टेबल का लिख, ये अमान अनीस कौन है भाई, ये कौन है बिहारी गुंडा, सब कुछ है तू, सिकन आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होती है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन में आपको फंसाया गया, चाहे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का फंडा याद रख लो भाई, एन और एन प्लस है, जैसे कोई अगर एन का लिखा जाए 2p3 है
यहाँ लिखा जाएगा तो 2P2 है, लोग कहेगा अरे हाफ फिल लगाओ इसका ज्यादा को, नहीं नहीं एन प्लस का ही ज्यादा, सक्सेसिव का हमेशा ज्यादा, सक्सेसिव का एक ही एलिमेंट की जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो IE2 ज्यादा होती है, इसमें कोई हाफ फिल फुली फिल नहीं देखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाफ फिल फुली फिल कब होता है? जब हम दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। यस सर। हाँ, ये दम दिमाग में रखें। हीलियम है, HE प्लस वन है, नहीं कहेंगे कि भाई ये फुल्ली फील्ड है, ये नहीं, इसी की ज्यादा होगी क्योंकि चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा, सक्सेसिव हमेशा बाद वाले की ज्यादा, चाहे उसमें हाफ फील्ड हो फुल्ली फील्ड कुछ रहे ना रहे, बाद वाले की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा, सक्सेसिव में हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होगी, चाहे फर्स्ट में हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कुछ भी रहे या ना रहे। IE3 की हमेशा ज्यादा है, चाहे इसमें हाफ फिल फुल्ली फिल, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे सक्सेसिव होता है एक एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता रहता है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हर तरीके से भी देखिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज भी तो छोटा होता जाएगा, ऐसे भी देखें। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। यस सर। यस सर। कोई नहीं बोल रहा, इतने आसान क्वेश्चन में फंस गई है लोग, क्या करें भाई, अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक पहलू है ये, क्वेश्चन को समझे, मैंने कहा भी था सही से समझे। वो अच्छा है, लिख लिया था एक्स में ये सब, IE2 ऑलवेज IE1। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक्सप्लेनेशन सक्सेस, एक मिनट रुको, तब से अच्छे से लेना, रुको ऐसे तो नोट्स में होगा, सक्सेस से पढ़ाया था ना आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक ही एलिमेंट का जब भी इस तरह का रहेगा, मैं हमेशा आपको लिख लिख के समझाया है, समझा A+2 IE2, समझा कभी भी रहे तो याद रखिए IE3 IE2 से ज्यादा, चाहे इसमें हाफ फिल फुल, जैसे नाइट्रोजन है और एन प्लस है, इसमें हाफ फिल है इसमें हाफ फिल नहीं है, फिर भी इसी की ज्यादा होगी, सक्सेसिव हमेशा ज्यादा होती है, एक ही एलिमेंट का सेम एलिमेंट की जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है, IE3 का ज्यादा होगा, ये हमेशा याद रखें मेरे भाई लोग, मैंने कहा ना ये नहीं बताएंगे तो बेसिक यही सब मजबूत होनी चाहिए, आप 120 बुक की प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ के पढ़ ही नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस का, समझिए अच्छे से पढ़ें। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस, गुड। यस सर। हाँ, ये सब गलती रिवीजन नहीं कीजिएगा। पेयर ऑफ एलिमेंट होते तो ये क्या पूछ रहा है मिर्जा, फिर से बोल ले तू क्या लिखता है रे? नहीं मतलब कहेंगे, मतलब किस तरह, अगर वहां पे ऑप्शन में पेयर ऑफ एलिमेंट देता जैसे मैक्सिमम होता होता तो इतना पढ़ लिया होता कुंची किंतु परंतु करता, ये वाला समझ में आया तुम्हें? इतना देर से क्वेश्चन कर रहा है, ये होता तो फलाना होता तो चिलाना होता तो व्हाट इज को तो किंतु परंतु करता रहता है तू, हमने सक्सेसिव पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर। बस अब ये होता तो क्या होता, तो ये होता तो पूरा आयनाइजेशन पढ़ लिया, तो ये होता तो आंसर नहीं दे पा रहा हो क्या उस वक्त से? दे रहा हूं ना आंसर, ये होता तो पियर होता तो फलाना होता तो, पगला दीवाना, सक्सेसिव एक ही एलिमेंट पूछा जाता है हमेशा। ठीक है सर। ये होता वो होता उतना देर से पढ़ रहे हैं, तो ये पियर होता तो क्या होता, अरे पियर होता तो फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब देखते, जो कंसेप्ट है अजीब लड़का ये सब भाई, किंतु परंतु करते हैं इतना पढ़ने के बावजूद। पटना में पढ़ के आए हैं फिर भी सर, 2 साल हो गया पढ़े सर। हाँ, भागे थे ना 11 पढ़ के तुम, 2000 रुपया दिए थे हमको, सब याद है हमको, सब याद रहता पैसा वाला, नहीं मालूम है चाचू तुम्हारे आए थे पटना चला गया, हमने कहा भाई इतना दिन पढ़ा है पैसा दीजिए 2000 रुपया, है उसकी मलाल अब तक मेरे दिल में लगी हुई है, क्या समझे हम भूल जाते हैं क्या? मैं भूलता ही नहीं हूँ, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है भाई, सुन लो अच्छे से कान खोल के, हार कर पैसे की बात तो हमें और याद रहती है। चलिए यहाँ देखें जल्दी, चाचू चाचू हाँ बताएं, अरसे से बताएं, हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन वर्क इसमें, डायरेक्ट बता दो आंसर, बोलो 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 बोलो, या नहीं तो 60 सेकंड लो। यस
ये तौहीद नबी जो है एकदम घटिया आंसर सब देता रहता है भाई। हाँ भाई वेरी गुड, ए इज द आंसर भाई, ए में है। फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का हाई हो, इसमें भी डिफरेंसेस है, हर सेकंड में होगा लेकिन ज्यादा जो डिफरेंस होगा वो लिथियम में होगा। समझा कि नहीं? अरे बोलिए, आया कि नहीं सबको समझ में? यस सर। हाँ तो यहाँ 2p4 है सेकंड में, यहाँ 2p3 होता हाफ फिल, यहाँ भाई 1s2 है, 1s2। अब s इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू p, ये भी फुल्ली फिल्ड है। हाँ इसमें भी सिकन अपने फर्स्ट से ज्यादा होगा, इसमें भी अपना सिकन फर्स्ट से ज्यादा होगा, इसमें भी सिकन अपने फर्स्ट से ज्यादा होगा, इसमें भी सिकन अपने फर्स्ट से ज्यादा होगा, लेकिन लार्ज डिफरेंस होगा ना, लिखा हुआ ना हाईएस्ट डिफरेंस, तो लिथियम में होगा। अरे बोलो आया कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। आप देखो भाई। हाँ तो बताओ ना, क्या नाम है मिर्जा, याद है ना वो लम्हा तुम्हें? हम दिल में बैठा लेते हैं, हमको याद है अच्छे से। लौट के तो आदमी के पास आएगा। नहीं तो हम कहाँ कह रहे हैं, वो तो लौट के आना ही पड़ता है इनके साथ सर, ओखला के बच्चे वही लौट के मेरे ही पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी पढ़ ले मेरे पास ही आते हैं लास्ट में, कहीं भी पढ़ लें। नहीं मैंने इसलिए याद कराया गया कि ऐसा ड्रॉपर बैच में मत कर देना, फिर चले जाना, फिर 2 साल के बाद आना। मैं इशारा किया हूँ, तुम इशारा समझे नहीं, नहीं है ना? हाँ ना भाई, बता दिया मैंने। हाँ 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 भाई, तुम अच्छे आदमी ना, बताओ तुम तेज हो, बिहार के हो, तुम्हारी बिहारी शादी हो गई कि तुम बड़े हो गए, अभी तो स्टूडेंट हो तुम। चलो भाई चलो, इसका आंसर दो। जी हर्षित भाई समझ में आ रहा है ना? आ रहे सर। हाँ पुराना स्टूडेंट है, थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उससे। हाँ लिख लिया सारे लोग, बताएं। Which of the following set of element having a strong tendency to form cation? का मतलब मैं यहाँ पर, अच्छा चलो next slide पर मैं explanation लिख रहा हूँ। देखो एक बात बताओ, जिसकी ionization energy, देखो ionization energy नहीं पूछा लेकिन खुद सोचो, जिसकी ionization energy कम होगी तो strong tendency होगी ना, जल्दी से electron lose करेगा। बोलो बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बोलो तब, strong tendency to form cation। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो केमिस्ट्री कहता है सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? एस ब्लॉक की। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ yes, sir. उस हाँ, चूंकि एस ब्लॉक में मेटल है, पी ब्लॉक में तो नॉन मेटल है, डी ब्लॉक में तो मेटल है लेकिन वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो देख लो एस ब्लॉक किसमें है, एस ब्लॉक के एलिमेंट किसमें है, देखो सी में। आया कि नहीं सबको समझ में? है है, देखो बोलो ना, बोलो ना। हाँ आयनाइजेशन पूछा तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो आयनाइजेशन ही तो पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपको। वेरी गुड, यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अरे जैनब आपको आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। हाँ यस सर, देखिए बेचारी, गुड। अच्छा एक मैं दे रहा हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन है ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ यही क्वेश्चन जो स्क्रीनशॉट, उसका नोट्स बनाओ और फिर से लिखो, तब होगा, वरना मोबाइल में गायब हो जाएगा। लिखते हो कि नहीं भाई, झूठ मत बोलना। लिखते हैं सर। हाँ मुझे मालूम है, ये नहीं लिखता है हर्षित, नहीं लिखता है सर। मैं लिखते लिखते करता हूँ, स्क्रीनशॉट बाद में लेता हूँ सर, पहले लिख लेता हूँ मैं। हाँ 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 बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे आदमी हो तुम, वेरी गुड। मैं आईटी में, तुम्हारा मैथ है कि बायो है सर? दोनों है। हाँ तो तुम दोनों, हम तुमको दोनों में देखना चाहते हैं,
टाइम्स ऑफ इंडिया में नाम आएगा, दोनों निकाल लिया ये, समझ रहे हो ना? हाँ यस सर, यस यस, एक इतिहास रचाना है आपको एकदम। इसी तरह मेहनत, सोडा वाटर का जोश कायम रहे 2 साल तक, बहुत फायदा होगा पूरा। वहां आप तो वहां के है ना, क्या नाम है? उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड, वहां तहलका मचा देना है, आप ही का नाम आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, हमें जैसा लग रहा है, हमने ख्वाब में देखा है आपको। थैंक यू सर। तुम अपना एक डीपी भेजो यार, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, तुम व्हाट्सएप पे डीपी लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कैसे लगते हो तुम। यस सर, यस सर। आप देखो तुम, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा 30 सेकंड लेना, पहले लिख, पहले ध्यान दो अच्छे से क्या पूछ रहा है। देखो इधर आयनाइजेशन एनर्जी है, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन है, ये सेकंड है। अरे बोलो ना, हाय हाय। यस सर, अब तुम देखना है कि वो पूछ रहा है कि H, ये वाला उसी रेंज में कौन सा, इस ए बी सी डी में कौन सा ये वैल्यू किसको सही साबित कर रहा है। बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, यहां कम दी हुई है। देखिए हर्षित का आंसर आ गया। इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन ऐसे भी गलत हो गया। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है डी 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 डी। यस, ये तो आंसर ऐसे ही कट गया, तो डी ऑप्शन में सबको, किसी को इतराज तो नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बता दो। नहीं सर। अरे बोलो ना। यस सर। नहीं सर, कोई इतराज नहीं है। यस, हर्षित उर्दू भी बोल रहे हो तुम, वेरी गुड। हाँ आगे बढ़े, बताओ सबको समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ यस, फैज समझ में आ रहा है ना? फैज, फौजिया, फौजिया। यस सर, आ रहा है ना आप दोनों को? जी सर। हाँ ठीक, अब देखो मैं जानबूझ के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो सब 12th के बच्चे ड्रॉपर सब देंगे, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना पढ़े हो। स्कैंडियम, इटीरियम एंड लैंथेनम आर जेड किलो जूल पर मोल। पहले ऑप्शन देख लेना, हर बार के आंसर नहीं देना प्लीज। थ्री डी सीरीज में 3D, 4D, 5D का मैंने आपको सिखाया था, अब मैं लगातार इसी पर क्वेश्चन कराऊंगा। 3D, 4D, 5D। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोलो बोलो। स्कैंडियम, इटीरियम, लैंथेनम, 3D, 4D, 5D। याद है टॉप टू बॉटम वाला सिखाया था आप सबको? यस सर। यस, जिसमें बी ऑप्शन, याद है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। चलो मैं रिवीजन कराता हूँ। आप देखो मैंने कहा था कि स्कैंडियम में कोई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, स्कैन टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो, याद है ग्रुप 3 के लिए? यस सर। ग्रुप 3 में स्कैंडियम, इटीरियम, लैंथेनम होता है, जिसमें एज यूजुअल ऑर्डर लगेगा, याद आया? अच्छा, 3 के बाद 4, 5, 6, उसके बाद बताओ 6 के बाद क्या था? 10। इसमें क्या था? 5D, 5D से छोटा 4D, 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 3D। जो लोग 12th वाले नहीं लिखे लिख ले भाई। और अगर ये ग्रुप है, अगर 3D सीरीज के 3D 4D, अगर आपको, हाँ जो स्कूल लेवल में आपको रहता है कि भाई अगर आप, आपके पास कौन कौन बच गया बताओ? 7, 8, 9, 11, 12।
इसमें 5D 3D यानी हाँ 5D की हाँ इसको छोड़कर तो दो को याद रखो, मैं इसी पर अभी क्वेश्चन दूंगा क्योंकि इसमें वही रीजन मैंने बताया था, तो अब मैं इसी पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें। ये जो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन सेकंड एंड थर्ड, ये 7, 8, 9, 11, 12 के लिए है, 4, 5, 6 के लिए 5D की, देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा है फर्स्ट और सेकंड से, लेकिन 5D के बाद कौन, तो 5D के बाद 4D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, उसका रीजन वही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्वेश्चन से भी मैं आपको अब साबित कर रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताएं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया था? यस सर। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये डी ब्लॉक के ग्रुप का है, ग्रुप का डी ब्लॉक के ग्रुप का ऑर्डर है। अब देखिए क्वेश्चन मैं लगातार इसी पर अब करा रहा हूं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ए ऑप्शन, आराम से चेक करना और डायरेक्ट अगर आंसर देना है तो चेक कर लो CuAgAu किस ग्रुप का एलिमेंट है, समझा, CuAuAg पहले AuCuAg, डी ऑप्शन AgAu, आराम से पहले कॉपर AgAu अलग से लिखो, चेक करो 3D 4D 5D का कौन कौन है, फिर देखो वो कौन से ग्रुप का है, आंसर आ जाएगा, चलो आराम से आंसर दो। किसी का आंसर आया? सी आंसर, पहले देखो कॉपर AgAu, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। अब हम ये देखेंगे कॉपर में 3D10 4S1 है, इसमें 4D10 11 ग्रुप का है, ग्रुप 11 का ऑर्डर मैंने आपको सिखाया, 11 में देखो 5D का सबसे ज्यादा मतलब AU का, फिर कॉपर का, फिर AG का। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये ऑप्शन आपका है सी। यस सर। तो यही सब मशहूर क्वेश्चन, इसलिए डी ब्लॉक का, पी ब्लॉक सब का मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत जबरदस्त। इसमें आपको होता है 4D10 5S1, इसमें तो लास्ट में वही है एफ भी आता है, अब ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है गोल्ड 79, तो 5D में 4F के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ज्यादा हो जाता है, और कॉपर की साइज छोटी है इसी वजह से, और उसके बाद ये जी 3D की साइज छोटी है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए, हाँ या ना बोलिए ना। यस सर। यस सर। तो AG और AU में साइज का ऑर्डर बताना है, याद रखना है, इसमें साइज का ऑर्डर लगेगा, साइज डोमिनेंट, और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर लगेगा, इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ज्यादा होता है। दोबारा स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब देखो लिख लिया आगे, ये भी लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह शॉर्ट ट्रिक सबसे याद रखिए कि आपका काम बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ना हो, पहले एकदम लॉजिक से समझिए, तीन चार दफा समझिए, फिर उसको समझ के याद कर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, बगैर समझे नहीं। फिर वही बात मैं क्या है, हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, ZnCdHg,
चलो आराम से देखो जेड एन सी डी जी सबको देखो, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें खुद से होनी चाहिए मालूम, कौन सा सीरीज का है, कौन सा ये है, ये आपको खुद मालूम होनी चाहिए। हाँ किसी का आंसर आया सही है, आप लोग इसी का आंसर दिया तो ही सी, मिर्जा तुम इसी का आंसर दिए हो? यस सर। अच्छा ठीक है, जेड एन है, सी डी है और एच जी है। सबसे पहली बात थ्री डी है, फोर डी है, फाइव डी है, सब में कंप्लीटली फील्ड है। यहाँ थ्री डी टेन है, फोर एस स्क्वायर है, फोर डी टेन है, फाइव एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5d 10 6 स्क्वायर और 4a 14 भी रहता है, 4a 14। अब देखो 12 ग्रुप का है ये सब, 12 ग्रुप का। देखो 12 ग्रुप का ऑर्डर आपको मालूम है, देखिए 12 ग्रुप, अरे बोलिए ना 12 ग्रुप का ऑर्डर मालूम है 5d। यस सर। हां ना, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, hg का, फिर zn का, फिर cd का। डू यू अंडरस्टैंड? यस। तो सी ऑप्शन आ रहा है सबको समझ में कि नहीं? देखिए कांसेप्ट है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक आपका टाइम बच जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर, वरना बहुत सारे आयनाइजेशन में तो बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। आपको तो मैंने ऐसा भी मैंने बताइए, मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करा दिया कि आपको अगर लिथियम का भी पूछे, क्लोरीन का पूछे, तो उसमें भी यानी अलग अलग पीरियड का भी पूछेगा तो आपको आंसर देना है। यानी एस एंड पी ब्लॉक के मिक्सड आयनाइजेशन एनर्जी मैंने एक टॉपिक ही पढ़ाया था, और उसमें क्या ट्रिक्स दिया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखना, याद आया कि नहीं? इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाँ, आयनाइजेशन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर नहीं है, ये ट्रिक्स है कि आप बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख लें डायरेक्ट, वरना बहुत सारे लोग नहीं नहीं अरे कैसे हम मिक्स कैसे कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं कर सकते हम सिम पीरियड से, नहीं आपको एसआरपी ब्लॉक का कोई भी दे देगा मिक्सअप, तो आपको बस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू याद है तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो वो सब आपको आना चाहिए। मैं इसलिए ये सब प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि अब देखिए अब मैं ये ना कराऊंगा आप भूल जाएंगे, इसलिए इसका क्वेश्चन कराना चाहिए एग्जाम में आपको एकदम एस ब्लॉक के ई के कैलिंबर पर पीएचडी हो, कि ग्रुप फर्स्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं, ग्रुप सेकंड में लास्ट में बैरियम और रेडियम एक है, ग्रुप 13 में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, बोरोन के बाद थालियम आ गया, और 14 में लास्ट में एसएनपीबी में 15 16 17 और 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं। इस तरह पढ़ेंगे ना लिख लिख कर अपने आप पूरा हो जाएगा। अभी मैं लगातार यही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बोलिए 10 हुआ कि नहीं अब तक, क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाइए। मैं बहुत क्वेश्चन अभी सिर्फ आयनाइजेशन पर करा रहा हूँ, अब घबराइए नहीं, केमिकल बॉन्ड खत्म होगा उस वक्त तक ये चलता रहेगा। अरे बोलिए ना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ यस। और केमिकल बॉन्ड का फर्स्ट पार्ट जब खत्म करेंगे तो उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम फैजान्स रूल तक पूरा पढ़ा देंगे उस वक्त तक अभी ये चलेगा, तो आप बस प्लीज मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं हारिए, खूब पढ़िए, मोबाइल पर कम टाइम दीजिए आप। निकिल प्लैटिनम प्लैटिनम, निकिल प्लैटिनम प्लैटिनम, सी प्लैटिनम प्लैटिनम निकिल, डी प्लैटिनम प्लैटिनम निकिल। देखिए आराम से पहले लिख लो साइड में, फिर चेक करो किस किस ग्रुप का है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक, एक निकिल का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट लिख लोगे तो ग्रुप का मालूम हो जाएगा, पैलाडियम यस, यस देखो निकिल पैलाडियम पैलाडियम 28 46 एंड इसका कितना था 78। आपको मालूम है ऐसे भी देखिए पैलाडियम एक एक्सेप्शनल केस था ना जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, याद आया कुछ आपको, एस में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है इसमें। यस सर। हाँ लॉजिक लगाइए क्यों यहाँ पर 5d के बाद 3d नहीं आया, उसका रीजन यही है कि d कंप्लीटली फील्ड है, यहाँ s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
प्लैटिनम का तो ज्यादा होगा ही, क्यों है, ऐसे लॉजिक है 5D के बाद यहाँ पर, चूंकि ये ग्रुप हो गया 10 और 10 में ऑर्डर है 4D एंड 3D, लॉजिक है, डी आंसर इज करेक्ट। सबको समझ में आया कि नहीं? अरे बोलिए yes, ना सर। Yes, sir. Yes. ये है कंसेप्ट, ऐसे पढ़ना है आपको। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। यस वेरी गुड। कितने क्वेश्चन हुए? हम लोग बोल भी नहीं रहे यार, 10 नहीं हुए क्या? 11 सर। क्वेश्चन नंबर बोलो, 10 की 11 12 बोलना भाई किसी को क्वेश्चन नंबर 12। हाँ चुप, हाँ चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें गलती मत करना। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर बोरॉन थैलियम इंडियम आर XYZ किलो जूल पर मोल, एकदम आराम से आंसर देना मेरे भाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिखते ही तुम्हारे दिमाग में आंसर आ गया होगा, फिर भी आंसर को समझ के देना है। Z greater than X is equal to Y, समझा? X greater than Y greater than Z, CX greater than Y is equal to Z, DX less than Y less greater than Z, which option? पहले देख लो, boron, thallium, indium का पहले आंसर लिख लो। बोलो बोलो बोलो, which option? ये सब direct answer। देखिए देखिए देखिए, अरे सबा, ये आपने जो आंसर दिया वो पिछले क्वेश्चन का है कि इस आंसर का? बोरॉन के बाद याद है थालियम आता है, उसके बाद इंडियम, जबकि साइज में सबसे बड़ा है ये। अरे याद है ना 4F14 की पोर शील्डिंग, रीजन भी बहुत अच्छे से समझाया था। यस सर। बी ऑप्शन, यही सब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको ये सब आना ही चाहिए, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, और क्यों नहीं याद होगा, आयनाइजेशन की प्यूरी थ्योरी पढ़िए, केमिकल बॉन्ड चल रहा है, टीचर पढ़ा है उस दिन पढ़ लीजिए और आ जाए, बाकी आप 12th पोर्शन को जो लोग ड्रॉपर बैच हैं वो अपने तरीके से भी अपना पढ़ते रहिए। एक सवा घंटा है, मैं तो कहता हूँ सवा घंटा वक्त दीजिए केमिस्ट्री को, बाकी अपना जैसे पढ़ा, मिनिमम जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ साथ, बाकी आप जितना सेल्फ स्टडी, कोई सब बहाना नहीं करना है। ये हो गया शादी है घर में, ये हो गया तो शादी है तो फिर कंपटीशन वगैरह सामना निकलेगा, एक साल पूरा लगाइए अपने आप को। 11th 12th जिसने मेहनत करके पढ़ लिया ना, ये हंगामा है कि अरे कंपटीशन में बहुत तब पूछता है, ये नहीं कुछ नहीं, बस शुरू से बस रेगुलर पढ़िए, आपको कुछ नहीं होना गा। आराम से, ये तो आप बहुत अच्छे से देखो, मैं मिक्स वाला क्वेश्चन दिया हूँ कि यहाँ पर सेकंड पीरियड भी है और थर्ड पीरियड भी है, कैसे मैंने पहले आपको आराम से पहले देखने, पहले इसका अपने से ऑर्डर लिख लो, जब मैंने कहा था कैसे ऑर्डर लिखना है, ट्रिक्स तुम्हें मौजूद है। Yes. देखिए ऐसे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई बात नहीं, मैंने जब कहा था कि जब सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड सब पी ब्लॉक का इस ब्लॉक का मिक्स करके क्वेश्चन दे, तो हमने कहा था कि पहले एक सेम पीरियड वाले को छांट लें आप, पीरियड थर्ड, तो पीरियड सेकंड में आपको मालूम है इसका एटॉमिक नंबर, इसका ग्रुप नंबर 3 है, इसका ग्रुप नंबर कितना था 5 है इसका ग्रुप नंबर, तो 5 का ज्यादा, तो इसमें नाइट्रोजन का अपने ऑक्सीजन से ज्यादा, इसमें फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा, जैसे ही दोनों मिक्स करेंगे तो मैंने कहा था
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी 3 होती है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 2.1 होती है, इसकी 2.5। तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन का ही होगा, उसके बाद आपको ऑक्सीजन का होगा, उसके बाद आप ये नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के बाद 2.5 नहीं कर देना, जो ऑर्डर मेंटेन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 3.5 के बाद कौन होगा, फास्फोर, ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, ये मेन ऑर्डर हो गया। इस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बताया था, तो आपको नाइट्रोजन, सबको समझ में आया? हाँ या ना, किसी को डाउट तो नहीं? ये समझा चुका हूं मैं। नो सर, की पढ़ा दिया। हाँ यस, वेरी गुड। अरे ये सबा क्या ऑर्डर गलत फलत लिख दिए? सबा, सबा, कैन यू हियर मी? यस सर। क्यों आपने नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस को लिखा? क्या बताया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो ऑर्डर 3.5 के बाद कौन सा नंबर आएगा नाइट्रोजन के? ये 3.5 ज्यादा है ना, जैसे मिक्स करेंगे तो 3.5 ज्यादा है। अरे बोले ना। यस सर। तो 3.5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2.5। लेकिन हम 2.5 को करेंगे तो सल्फर का ज्यादा हो जाएगा फास्फोरस, तो ये तो गलत है। तो जो आपको कहा गया था कि ना, इसके बाद ये पूरा ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा, पीक 3.5 सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस कैसे दे दिया आपने भाई? अरे क्वेश्चन, उसको मिक्सिंग वाला आपने देखा था वीडियो, उसको देखे दोबारा, गलती नहीं होनी चाहिए। तुम पहले इन तीनों का ऑर्डर मुझे लिख कर दिखा सकते हो? सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी तो पोटेशियम की होगी, ऐसे भी हाँ बोलो। पीरियड थर्ड में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, याद है 87 सेम पीरियड है, 8756 4231 4231, तो 2 और 3 2 की ज्यादा होती है। अच्छा देखो, अब आयरन है, आयरन डी ब्लॉक है। देखो कभी कभी अगर अजीबो तरीका का क्वेश्चन सब दे दे, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब मिक्स कर दे, तो तुम इसको देखो, ऑप्शन को देखो। बी ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, एल्युमिनियम का ज्यादा लिख रहा है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, समझा कि नहीं? वही हाल सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, वही हाल डी ऑप्शन भी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? और ऐसे भी याद रखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, समझा कि नहीं? तो याद रखना है कि भाई आयरन में इफेक्टिव न्यूक्लियस है। तो जब इस तरह का अजीबो गरीब क्वेश्चन दे दे आप, तो आप ऑप्शन को चेक करके भी आंसर दे सकते हैं। सुना सारे लोग? यस सर। हाँ, ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। हाँ, तो जान बुझ के एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, अब भाई एस कहाँ और डी कहाँ, तो उसका इतना कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। हाँ, पी ब्लॉक के डिफरेंट पीरियड एस ब्लॉक के को आपस में मिक्स कर सकते हैं, तो इस सब ऐसा ऑप्शन देता ही है कि जिससे स्टूडेंट आसानी से आंसर निकाल सकें। तो बहुत कंपटीशन में ये भी होता है, बहुत सारा आंसर ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। तो पहले KLMG का हम निकाल लें, अब आयरन, अब ऑप्शन में देख लें, तो आप इस तरह कर सकते हैं। बताइए, सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किस पर बोलिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ,
तो इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी के बारे में दो मिनट में रिवीजन करा देता हूं। इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो सबको मैंने बता दिया था। आपको इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी में ये बातें याद रखनी है, खासकर पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड, 13 से लेकर 18 तक, समझा कि नहीं। हर फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी अपने सेकंड मेंबर से कम होती है, समझा। बोरॉन और बोरॉन एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस की ज्यादा होती है, समझा कि नहीं। फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन सल्फर सल्फर की ज्यादा होती है, हीलियम नियॉन नियॉन की ज्यादा होती है, मोर पॉजिटिव, समझा। हाँ, नॉबल गैस में एक आपको कंफ्यूजन कर सकता है, वो हम क्वेश्चन के जरिए समझाएंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी ज्यादा का क्या मतलब हुआ, तो वो हम क्वेश्चन के जरिए समझाएंगे। अभी समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये भी मैंने बताया था कि हर पीरियड में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी ज्यादा होती है। 16 का, हाँ, 16 का इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी लिखेगा तो सल्फर के बाद सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम लिखेंगे। जब भी ऑर्डर लिखेगा तो हमें याद रखना चाहिए कि बेरिलियम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी पॉजिटिव होती है, नाइट्रोजन की और ऑल नॉबल गैसेस की। जब भी ऑर्डर हमें लिखना है तो हम इन सब को चेक कर लेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी पॉजिटिव में होती, तब ऑर्डर लिखेंगे। सुना सारे लोग? हाँ या ना, प्लीज बताएं। यस सर। ये तो बहुत आसान है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी बताइए किसकी है? अरे बोलिए ना। आंसर दे दिया आप लोगों ने? हर्षित डी क्यों लिखा? 1s² 2s² 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है मेरे भाई। हर्षित? यस सर। तो फिर Na प्लस तुम्हें दिख रहा होगा कि प्लस है, जल्दी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, ध्यान दें। यस सर। यस सर। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। पहले हाँ आराम से दीजिए। सबको चेक कर लीजिए, ये सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में एनएस स्क्वायर होता है, ये सब ध्यान दे लीजिए। फैज, फैज तुम ए ऑप्शन दिए हो? अरे फैज नहीं सर, वो प्रीवियस क्वेश्चन का है। अच्छा, प्रीवियस का है। Yes, D option is the correct answer.
फ्लोरीन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का कार्बन है, एल्युमिनियम आसानी से करेगा, कैल्शियम में NS2 याद है हमने कहा था ग्रुप सिकन में, तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं है लेकिन कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, सबको समझ में आया? हां या ना जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। चलिए ओके बाय बाय, थैंक यू। क्लाउनिंग सर। थैंक यू सर। सलाम। खुदा हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।